तो गाइज, आखिरकार 5 महीने के अंतराल के बाद दिल्ली मेट्रो सफर करने के लिए आगे बढ़ चली है। आज रेड लाइन का पहला दिन था। अगर आप मेट्रो की सवारी करना चाहते हैं तो इस वक्त जब आप मेट्रो स्टेशन के अंदर एंट्री करेंगे तो आपको पहले अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप पर अपना सेफ स्टेटस सुरक्षा कर्मियों को दिखाना होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको स्टेशन से बाहर जाने के लिए कहा जाएगा। जब आप अपना सेफ स्टेटस सुरक्षा कर्मियों के आरोग्य सेतु ऐप पर दिखाते हैं उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और एक ऑटोमेटिक सैनिटाइज करने के लिए एक मशीन लगी हुई है, वहाँ आपको अपने हैंड सैनिटाइज करने हैं। उसके बाद आपका टेम्परेचर लिया जाएगा। जब इन सभी चीजों में आप सेफ पाए जाएंगे तो उसके बाद आपको सिक्योरिटी चेक इन करने के लिए कहा जाएगा। सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद आप अपने टिकट से स्वाइप करेंगे और उसके बाद आप प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मेट्रो आ रही है, बहुत ही साफ सुथरी धुरी मेट्रो दिखाई दे रही है। हर अप डाउन जर्नी के बाद ट्रेन को सैनिटाइज किया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ स्टेशन पर नहीं है। ये वीडियो जो है ये सुबह 9 बजे की बनाई हुई है और एक वक्त पर यहाँ पर कंधे से कंधा टकराने वाली स्थिति हुआ करती थी। आज से 6 महीने पहले की ये बात है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कोरोना के खौफ की वजह से लोग बहुत ज़्यादा मेट्रो के अंदर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल अंदर का ये नज़ारा है, बहुत ज़्यादा भीड़, बिल्कुल भी भीड़ आप देख सके कह सकते हैं बिल्कुल भीड़ नहीं है। और आप यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट भी देख सकते हैं, 6 सीटर सीट पर सिर्फ 3 लोगों को बैठने की इजाजत है, एक सीट को छोड़कर दूसरा व्यक्ति बैठने की व्यवस्था की गई है। तो यह है मेट्रो, दिल्ली मेट्रो के अंदर का लेटेस्ट नजारा। ये था पूरा का पूरा दिल्ली मेट्रो का रेड लाइन का आज का पहला दिन। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते होंगे वो भी आपको मिल गई होगी। बाद फिर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरीके की एंटरटेनमेंट एंड नॉलेजेबल वीडियो आप तक आती रहेंगी।